Good afternoon, students, and welcome to the online lecture of Sharadvi Murray English High School. Okay, in last lecture we have completed part one. Now today I will start part two of the chapter. Red headed league, right? So second part. What happened next? Dr. Watson's account. So well, Watson, what do you think of it all? Asked Mr. Holmes after Mr. Wilson had left. Okay, अब देखो, Mr. Wilson ने अपनी story बताने के बाद जब Holmes के पास से चले गए, Sherlock Holmes के पास, तो वो Watson से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, राइट? आई मेक नथिंग ऑफ इट. तो वो बोल रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं समझ आया, राइट, कि जो भी हुआ है इंसिडेंट. तो वो पूरे इंसिडेंट के बारे में उसे कुछ नहीं समझ आया. तो ही आंसर्ड फ्रैंकली. होम्स सैट साइलेंटली फॉर सम टाइम एंड देन इनवाइटेड मी टू गो आउट विद हिम. अच्छा, थोड़ी देर के लिए होम्स साइलेंट बैठ गए. उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको इन्वाइट किया कि मतलब चलो हम साथ में बाहर जाएंगे. सो वी वेंट टू द स्क्वायर वेयर मिस्टर विल्सन हैड हिज शॉप. वो वहाँ पर उस रास्ते पर जाते हैं, उस एरिया पे जहाँ पर मिस्टर विल्सन की शॉप होती है. होम्स ऑब्जर्व द एरिया केयरफुली. देयर वर मैनी शॉप्स एंड ऑफिसेस इन द स्क्वायर बट अ बैंक जस्ट बिहाइंड मिस्टर विल्सन शॉप. होम्स स्पेंड सम टाइम आउटसाइड द शॉप एंड थम्ड अपॉन द पेवमेंट टू और थ्री टाइम्स. फाइनली ही नॉक्ड ऑन मिस्टर विल्सन्स डोर. अ यंग मैन ओपन द डोर. मिस्टर होम्स आस्क्ड हिम द वे टू स्ट्रैंड. The assistant answered the question and quickly closed the door. अब देखो क्या given है कि वो वहाँ पर जाते हैं Mr. Wilson. किस एरिया में जाते हैं, जहाँ पर Mr. Wilson, sorry, Sherlock Holmes कहाँ जाते हैं, उस एरिया में जाते हैं जहाँ पर Mr. Wilson की शॉप होती है. अब वो शॉप का जो एरिया होता है वहाँ पे और भी बहुत सारे अदर शॉप्स और ऑफिसेस होते हैं, और साथ ही साथ एक बैंक भी होता है जो Mr. Wilson की शॉप के एग्जैक्टली पीछे होता है. अब वहाँ पर वो जाते हैं. तो वहाँ पर जाने के बाद मिस्टर विल्सन फाइनली, मतलब वहाँ पर थोड़ी देर तक राउंड मारते हैं शॉप के बाहर, वो पेवमेंट, वो जो स्पेस होता है वहाँ पे, और उसके बाद फाइनली वो नॉक करते हैं डोर को. सो अ यंग मैन ओपन द डोर. तो फिर थोड़ी देर में क्या करता है, एक यंग मैन डोर ओपन करता है. वो कौन रहता है, एक्चुअली असिस्टेंट रहता है मिस्टर विल्सन का. और वो क्या करते हैं, उसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, स्ट्रैंड का रास्ता. स्ट्रैंड एक जगह का नाम है, ठीक है, और वो असिस्टेंट जगह का रास्ता बताता है, स्ट्रैंड का रास्ता, और फिर क्लोज कर देता है डोर. ओके, आई सेड आई एम श्योर दैट यू इंक्वायर्ड योर वे ओनली इन ऑर्डर टू सी हिम. अब उनके साथ में जो मिस्टर विल्सन के पास जो असिस्टेंट होता है, राइट, वो दरवाजा खोलने के बाद उनको बता देता है रास्ता और फिर डोर क्लोज कर देता है. अब मिस्टर होम्स के साथ में जो मिस्टर वेटसन होते हैं उनके साथ में, है ना, तो वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है आपने ये सब इंक्वायरी इसलिए की थी ताकि आप असिस्टेंट को देख सकें, राइट, कि मतलब वो उनके असिस्टेंट को एक बार देख सके. नॉट हिम, होम्स सेड. तो होम्स क्या बोलते हैं, उसे नहीं देखना था मुझे, बट द नीज ऑफ हिज ट्राउजर, मुझे उसके ट्राउजर की नीज देखना था. मीन्स अब उनके माइंड में कुछ चल रहा होगा ना. मिस्टर होम्स क्या थे, डिटेक्टिव थे, तो वो इस चीज़ की रीजन जानने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा जो भी हुआ है मिस्टर विल्सन के साथ उसके पीछे क्या मेन रीजन है. एंड वॉट डिड यू सी, तो आपने क्या देखा, वेटसन पूछता है उनसे. What I expected to see, मतलब जो मैंने expect किया था, जो मुझे लगा, मुझे वही दिखा. This matter of Mr. Wilson is serious. तो Mr. Wilson ने जो हमें matter बताया है वो बहुत serious है. और crime is being planned, मतलब इस चीज़ के पीछे एक crime plan किया जा रहा है, एक crime plan किया जा रहा है, बहुत बड़ा plan. But I hope that we can stop it. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस पर अच्छी तरीके से mind लगा के work करेंगे तो इसे रोक सकते हैं, इस crime को. The offices and banks will be closed for the weekend. Now I have to go and make some arrangements. अब वो बोल रहे हैं कि इस वीकेंड के लिए, मतलब वीकेंड के लिए तो जो ऑफिस और बैंक वो क्लोज होते, तो अब मुझे क्या करना है, कुछ अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा. सो बट आई शैल वॉन्ट योर हेल्प टू नाइट. तो मुझे आज रात तुम्हारी हेल्प चाहिए रहेगी. ठीक है, कौन बोलता है, मिस्टर होम्स. एंड ब्रिंग योर रिवॉल्वर. सो वो शेरलॉक होम्स बोलते हैं वेटसन को कि ठीक है, 10 बजे कहाँ पर, स्ट्रीट, बेकर स्ट्रीट एक जगह है, रास्ता है, तो वहां पर मुझे मिलो रिवॉल्वर के साथ, अपनी गन के साथ. आई अराइव्ड एट होम्स रेसिडेंस इन टाइम. अब ये कौन बोल रहा है, मिस्टर वेटसन. वेटसन बोल रहा है कि मुझे मिस्टर होम्स ने जहां पर बुलाया था मैं वहां पर टाइम पर आ गया. देयर वर टू अदर मैन विद हिम, और उनके साथ में दो अदर मैन भी थे. मिस्टर जॉन्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. कौन कौन, मिस्टर जॉन एंड मिस्टर मैरी वेदर, ये दोनों थे, अ बैंकर. होम्स अनाउंस टुनाइट वी आर गोइंग टू हंट वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिमिनल इन लंडन. अच्छा, अब वो दोनों लोग और उनके साथ मिस्टर होम्स और फिर मिस्टर विटसन, ये सब वेटसन जब वहाँ पर मिलते हैं तो कौन बोलता है, मिस्टर होम्स ये अनाउंस कर देते कि आज हम एक स्मार्टेस्ट क्रिमिनल को पकड़ने वाले हैं. क्रिमिनल जो कि लंडन में.
वी लेफ्ट टुगेदर इन अ कैरेज एंड रीच द रोड वी हैड विजिटेड इन द मॉर्निंग. अच्छा अब वो क्या करते हैं, कैरेज, कैरेज मीन्स जो हॉर्स राइडिंग, हॉर्स के पीछे देखो गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी, उसको बोलते हैं कैरेज. तो उनके थ्रू वो कहाँ जाते हैं, दे रीच द रोड, जहाँ उन्हें जाना होता है उस रोड पर जहाँ पर वो मॉर्निंग में गए हुए थे, राइट. होम्स टोल्ड अस टू फॉलो मिस्टर मेरीवेदर हु लेड अस थ्रो एन आयरन गेट. ओके अब वो वहाँ पर पहुँचने के बाद वो बोलते हैं मिस्टर होम्स कि हमें मेरीवेदर को फॉलो करना है. अब मेरीवेदर कहाँ जाते हैं, एक आयरन गेट के पास अंदर जाते हैं. वी फॉलोड हिम डाउन अ नैरो पैसेज, और फिर वो एक नैरो पैसेज की तरफ जाते तो वो सब उनको फॉलो करते. आफ्टर गोइंग डाउन सम स्टेप्स, अब वो कुछ स्टोन स्टेप्स मीन्स कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद वो नीचे कहाँ पहुँच जाते हैं, ही लेड अस डाउन अ डार्क अर्थ स्मेलिंग पैसेज इन टू अ ह्यूज सेलार. वो कहाँ जाते हैं, एक ह्यूज सेलार में फुल ऑफ बिग बॉक्सेस. सेलार एक ऐसी जगह होती है जहाँ बड़े 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 सामान रखे जाते हैं, राइट, स्टोरी हाउस जैसा. वी ऑल सेट ऑन द बॉक्सेस, और हम वहाँ पर बॉक्सेस पर बैठ जाते हैं. वी आर इन द सेलार ऑफ द सिटी ब्रांच ऑफ वन ऑफ द मेन बैंक इन लंडन. वो बोल रहे हैं कि हम ये सेलार, ये मेन बैंक का सेलार है जहाँ पर बैंक का सामान रखा जाता है. मिस्टर मेरी वेदर इज द चेयरमैन ऑफ द बैंक, और जो हमारे साथ आए हैं मिस्टर मेरी वेदर वो क्या है, बैंक के चेयरमैन है. एंड ही विल टेल यू वाई अ क्रिमिनल शुड टेक एन इंटरेस्ट इन दिस सेलार एट प्रेजेंट. अच्छा और वो वहाँ पर आए हुए होते हैं और उनका ये मानना होता है कि क्रिमिनल्स को इस जगह में इंटरेस्ट है, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड. तो वो बताते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है, वो आपको मेरी वेदर समझाएंगे. सैड होम्स, मिस्टर मेरी वेदर एक्सप्लेन दैट द बैंक हैड बोरोड अ ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम द बैंक ऑफ फ्रांस एंड द बॉक्सेस इन द सेलार वर फुल ऑफ गोल्ड. अच्छा अब वो क्या बताते हैं मिस्टर वेरी वेदर कि यहाँ जहाँ हम अभी प्रेजेंट में हैं और ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं इसमें क्या है, गोल्ड है जो हम लोगों ने बोरो किया है फ्रांस की एक बैंक से, ठीक है. होम्स एक्सपेक्टेड द क्रिमिनल्स टू एक्ट दैट वेरी नाइट, मीन्स वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्रिमिनल्स वहाँ पर जरूर आएंगे उस रात में. वी हैड टू वेट देयर इन टोटल डार्कनेस विदाउट मेकिंग एनी नॉइज टू टेक द क्रिमिनल्स बाय सरप्राइज. और वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पर वेट करना है क्रिमिनल्स का ताकि और मतलब साइलेंटली कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए ताकि क्रिमिनल्स को पता ना चले कि यहाँ कोई है और फिर हम लोग डायरेक्टली उन्हें क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे. सो दे हैव बट वन स्केप रूट, लेकिन उनके पास एक स्केप रूट है. विस्पर्ड होम्स, होम्स बोल रहे हैं कि अगर वो यहाँ आए तो यहाँ एक जगह से भाग कर जा सकते हैं, दैट इज बैक थ्रो मिस्टर विल्सन्स हाउस. मीन्स कि क्रिमिनल्स यहाँ पर आएंगे चोरी से, है ना, मीन्स छुपते हुए, और यहाँ से अगर हमने मतलब उनको पकड़ने की कोशिश की तो वो एक जगह से भाग सकते हैं, वो क्या है, थ्रो द मिस्टर विल्सन्स हाउस, मिस्टर विल्सन के हाउस से. आई होप दैट सम मैन आर वेटिंग एट मिस्टर विल्सन्स डोर मिस्टर जोन्स, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई वेट कर रहा होगा मिस्टर विल्सन के डोर पे, वो मिस्टर जोन्स. आई हैव एन इंस्पेक्टर एंड टू ऑफिसर्स वेटिंग एट हिज डोर, मतलब के अगर वो वहां से भी भागने की कोशिश करे तो वहां पर कोई ऑलरेडी खड़ा हुआ है, वो कौन है, एंड टू ऑफिसर्स वहां पर वेट कर रहे होंगे. सो देन वी हैव स्टेप्ड ऑल द होस्ट, तो अब इस तरीके से हमने पूरा पूरी तरीके से उनके लिए ट्रैप प्लान कर लिया. वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर आकर, उस सेलार में आके क्रिमिनल्स के लिए ट्रैप प्लान कर रहे थे, मीन्स वो ताकि उनके जाल में फंस जाए, वो अगर वहां पर आए तो लोग उनको पकड़ ले, और वो अगर पकड़ना चाहे और वो भागने के लिए उनके पास एक रास्ता था, मतलब मेन गेट के थ्रू अगर दूसरा रास्ता था वो क्या था, उस सेलार से भागने का, उनके घर, वो मिस्टर विल्सन के घर का रास्ता. तो मिस्टर विल्सन के घर के रास्ते पे भी, मतलब उनके दरवाजे के बाहर भी, वहाँ पर उनके पर्सन्स वेट कर रहे थे, ऑफिसर, इंस्पेक्टर और उनके ऑफिसर. तो इस तरीके से उन्होंने उनके भागने का, क्रिमिनल्स के भागने का सारा रास्ता क्या कर दिया था, बंद कर दिया था. नाउ वी मस्ट बी साइलेंट एंड वेट, तो अब वो बोल रहे फाइनली हमारा सब प्लान सेट है, अब हमें सिर्फ वेट करना है क्रिमिनल्स का. We waited silently for more than 1 hour. अब वो इस तरीके से खामोशी से एक घंटे तक वेट करते, एक घंटे से ज़्यादा. It was pitch dark in the cellar. और सेलार में बहुत डार्कनेस होती है. अब वो लोग लाइट्स भी नहीं ऑन कर सकते थे, राइट, क्योंकि अगर वहाँ पर लाइट वगैरह ऑन होगी तो क्रिमिनल्स को लग जाएगा ना कि कोई ना कोई है यहाँ पर, तो वो उसी डार्कनेस में साइलेंटली वेट कर रहे होते. Then suddenly, a point of bright light appeared in the floor of the cellar. Then a line and a gash seemed to open and a hand appeared. Finally, वहाँ पर उन्हें थोड़ी सी लाइट दिखती है और कोई आता हुआ दिखता है, एक हैंड अपीयर्ड होता है, एक हाथ दिखता है उन्हें. A broad stone turned over upon its side and left a square hole. Finally, वो जो स्टोन स्टेयर्स होते हैं ना वहाँ से उतरते हुए उन्हें कोई दिखता है.
अ बॉयश फेस इमर्ज और एक मतलब बॉय दिखता है ना लड़का. द मैन लुक्ड अबाउट द केम ऑफ द होल और वो बाहर उस होल से बाहर आता हुआ उन्हें दिखता है. ही हैज अ कंपेनियन विद हिम. कंपेनियन मींस उसका उसके साथ में कोई और भी होता है. अ मैन विद वेरी रेड हेयर उसके साथ में कौन होता है एक रेड हेडेड मैन होता है जिसके रेड हेयर होते हैं. द पेयर वॉज नन अदर दैन स्पॉल्डिंग एंड द असिस्टेंट एलियास द क्रिमिनल क्ले एंड द रेड हेडेड मिस्टर डंकन रोज. और वो कौन होता है मिस्टर स्पॉल्डिंग. स्पॉल्डिंग होता है और असिस्टेंट एलियास द क्रिमिनल क्ले एंड द रेड हेडेड मिस्टर डंकन. मिस्टर डंकन रोज जो क्या करते हैं जिन्होंने वो उसका एड दिया था है ना जो उनका लुकआउट करते हैं प्रॉपरली यही. और स्पॉल्डिंग स्पॉल्डिंग कौन असिस्टेंट. सो एज सून एज दे क्लाइम्ड आउट द होल शेरलॉक होम्स स्प्रैंग आउट एंड सीज्ड क्ले बाय कॉलर. और वो फिर जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं शेरलॉक होम्स और उनकी जो टीम है उनको सीज मतलब अटैक कर देना. वो फाइनली अटैक करती है और पकड़ लेती है कॉलर से लाइक दिस यू कैन सी. सो द अदर डिवाइडेड डाउन द होल एंड डिसअपियर्ड. और जो अदर वन रहता है वो क्या हो जाता है डिसअपियर होता है. क्ले टुक अ रिवॉल्वर वो रिवॉल्वर निकालता है जिसको रिवॉल्वर लाने के लिए बोले होते हैं शेरलॉक होम्स राइट मिस्टर विटसन. बट होम्स हिट हिम ऑन हिज रिस्ट एंड रिवॉल्वर फेल ऑन द फ्लोर. ओके जब पकड़ लेते हैं उसको क्रिमिनल को तो वो रिवॉल्वर निकालता है अपनी रिवॉल्वर. अच्छा क्रिमिनल निकालता है रिवॉल्वर ठीक है. तो वो क्या करता है होम्स उसको हिट करता है उसके रिस्ट पे कलाई पे तो उसकी जो रिवॉल्वर होती है फ्लोर पे गिर जाती है. इट्स नो यूज जॉन क्ले सैड होम्स. अब कोई फायदा नहीं है ना अब ये कोई यूज की नहीं है क्योंकि हम लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया वी हैव कॉट यू. सो आई सी बट माई फ्रेंड हैज स्केप्ड. तो उसका फ्रेंड क्या हो जाता है भाग जाता है. होम्स रिप्लाइड ही कैन नॉट स्केप. एक को पकड़ लेते हैं वो सेकेंड वाला डिसअपियर हो जाता है ना तो वो बोलता है कि मेरा फ्रेंड तो भाग चुका है. स्केप मतलब भाग जाना. तो होम्स बोलता है कि ही कैन नॉट स्केप वो भाग नहीं सकता. देर आर थ्री मैन वेटिंग फॉर हिम एट द अदर एंड मतलब वो उन्होंने अदर थ्री पर्सन को वहाँ खड़ा किया हुआ होता है ना भागने की जगह पे तो वहाँ पर वो वेट कर रहे हैं वो उसको कैच कर लेंगे. द होम्स हैंडेड ओवर मिस्टर क्ले टू द पुलिसमैन. और वो जो मिस्टर क्ले होता है उसको क्या करते हैं पुलिसमैन के हवाले कर देते हैं. मिस्टर मैरी वेदर सैड रियली मिस्टर होम्स आई डू नॉट नो हाउ टू थैंक यू. यू हैव फॉइल्ड वन ऑफ द मोस्ट कनिंग अटेम्प्ट एट बैंक रॉबरी. द बैंक इज ग्रेटफुल टू यू. हाँ अब वो बता रहे हैं कि मिस्टर होम वो जो पुलिसमैन होता है मिस्टर होम्स को थैंक करता है क्योंकि उन्होंने वो क्रिमिनल्स को पकड़वा दिया था जो क्या कर रहे थे बैंक रॉबरी मीन्स बैंक की चोरी करने वाले थे. वो जो गोल्ड था वहाँ पर अटैक करने वाले थे चोरी करने वाले थे. सो जो क्रिमिनल प्लान था उनका वो फाइनली मिस्टर होम्स ने सॉल्व कर लिया और वो स्टॉप कर दिया. सो यू सी वेटसन होम्स सेड आफ्टर वी रीच हिज होम इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द फर्स्ट दैट द ओनली पॉसिबल ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रेंज एडवर्टाइजमेंट एंड द पेक्यूलर जॉब वॉज टू गेट मिस्टर विल्सन अवे फ्रॉम हिज शॉप फ्रॉम सम हार्ट्स एवरी डे. अब फाइनली बात ये है कि मिस्टर होम्स को ये सारी चीज़ समझ कैसे आई कि वो असिस्टेंट है जो असिस्टेंट जो किसके साथ मिलकर मिस्टर डंकन रॉल्स जो डंकन रॉल्स जो उनको जॉब में क्या कर रहे थे पूरा कंप्लीटली उनके ऊपर वॉच रख रहे थे है ना. तो कैसे मीन्स जो दोनों ने मिलकर ये प्लान क्यों किया था तो वो बता रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कैसे पता चला कि आफ्टर रीच्ड हिज होम घर पहुंचने के बाद इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द फर्स्ट दैट द ओनली पॉसिबल ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेंज एडवर्टाइजमेंट मीन्स वो एडवर्टाइजमेंट दिया ही इसलिए गया था ताकि मुझे पेक्यूलर इतनी ईजी जॉब है वो मिस्टर विल्सन को मिल जाए आराम से और वो अपने शॉप से कुछ घंटों के लिए मीन्स वो 10 to 2 का जो आर्ट था राइट उस टाइम के लिए क्या कर सके वो दूर रह सके. द रेड हेडेड लीग वॉज अ क्लेवर आइडिया और जो रेड हेडेड लीग थी वो सब उनका प्लान था. इन मिस्टर विल्सन्स एब्सेंस क्ले एंड हिज रेड हेडेड कैंपेनियन वॉन्टेड टू डिग एन अंडरग्राउंड टनल फ्रॉम मिस्टर विल्सन्स हाउस टू द बैंक. और वो जो टाइम था ना जो उन्होंने जॉब के लिए उनको बुलाया हुआ था तो वो 10 to 2 के टाइम में क्या करते थे वो अंडरग्राउंड टनल बना रहे थे मिस्टर विल्सन से और बैंक का रास्ता मिस्टर विल्सन के हाउस से बैंक के रास्ते ताकि वो अपने घर पर ना रहे तो वो आसानी से ये काम कर सके. देन दे वुड बी एबल टू एंटर द बैंक एंड स्टील द गोल्ड विदाउट ब्रेकिंग ओपन द डोर्स ऑफ द बैंक. फाइनली वो जिस तरीके से होल्स में से आते हैं ना तो वो होल्स में से वो घुसकर मतलब वो टनल में से घुसकर वो आसानी से बैंक का जो गोल्ड है वो ड्रॉप मतलब चोरी कर सके और वहीं से फिर भाग जाए. यूजिंग द टनल दे इंटर द सेलर और वो टनल को ही यूज करके उन्होंने सेलर में एंट्री की थी. दे प्लान टू स्टील द गोल्ड वो होल से निकलते हैं ना देखो
क्या उनका मेन प्लान क्या था? गोल्ड चुराना, स्टील करना, एंड गो बैक टू मिस्टर विल्सन्स हाउस अगेन थ्रू द टनल. और फिर वही रास्ते से वो मिस्टर विल्सन के हाउस वापस चले जाते एंड देन गेट अवे, और वहाँ से बाहर निकल जाते. बट हाउ कुड यू गेस दैट देयर मोटिव वॉज? अब वो मिस्टर वेटसन पूछते हैं उनसे कि आपको ये सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चला, राइट? When I heard that the assistant worked for half the wages, जब मैंने ये सुना कि जो असिस्टेंट है वो हाफ वेजेस, मिस्टर विल्सन का जो असिस्टेंट है वो कितना हाफ सैलरी पे वर्क करता था, आई बिकेम सस्पिशियस. तो मुझे कुछ सस्पिशियस लगा, मीन्स कुछ अजीब लगा उसके बारे में. यूजिंग मिस्टर विल्सन डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज असिस्टेंट आई मेड इंक्वायरीज, उन्होंने जो भी डिस्क्रिप्शन अपने असिस्टेंट के बारे में बताया था मैंने इंक्वायरी की. आई फाउंड दैट ही वॉज द क्रिमिनल क्ले, मीन्स उसका जो भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था मुझे ऐसा लगा कि वो क्या है, क्रिमिनल है. क्ले, वाई वॉज ही वर्किंग इन मिस्टर विल्सन शॉप्स, तो वो मिस्टर विल्सन की शॉप में क्यों वर्क करेगा. एंड हिज हैबिट ऑफ गोइंग इन टू द सेलर एवरी नाउ एंड देन, आई इन्फर दैट ही मस्ट बी डिगिंग अ टनल टू सम अदर बिल्डिंग. वैन वी विजिटेड शॉप आई बीट अपॉन द पेवमेंट विथ माई स्टिक टू फाइंड आउट वेदर द सेलर स्ट्रेच्ड आउट इन फ्रंट और बिहाइंड. ओके, और वो जब वहाँ पेवमेंट में थोड़ी देर के लिए वो चेक कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने डोर नॉक किया तो वो वही चेक कर रहे थे कि जो टनल है वो कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है. मीन्स इट वॉज नॉट इन फ्रंट, आई सॉ द बैंक ऑन द अदर साइड ऑफ द हाउस एंड गेस्ट व्हाट द क्रिमिनल्स हैड इन माइंड. वो बैक साइड थी, मीन्स क्योंकि उसके पीछे ही बैंक थी, राइट? तो मेरे माइंड में आया कि क्रिमिनल ने क्या प्लान किया है. वैन क्ले आंसर्ड द बेल, द नीज ऑफ हिज ट्राउजर वेयर रिंकल्ड एंड स्टेन. और जब उन्होंने बेल का बैल सुनकर जब डोर ओपन किया था उस असिस्टेंट ने, तो मैंने उसके ट्राउजर की नीज इसलिए ही देखी थी. क्यों? क्योंकि वहां पे दाग लगे हुए थे, स्टेन, रिंकल मींस खराब. देखो, डिगिंग का काम कर रहा था ना वो, तो खराब हो गई थी उसके वो नीज. इट कंफर्म्ड माय सस्पिशन दैट ही वाज डिगिंग, तो उससे मुझे समझ में आ गया कि वो डिगिंग का काम कर रहा था. यू नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, और उसके आगे तो तुमको पता ही है कि हमने क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ा. यू रीजंड इट आउट ब्यूटीफुली, आई एक्सक्लेम इन एडमायरेशन. तो मिस्टर वेटसन बोलते हैं कि यस, आपने तो बहुत अच्छे से मुझे समझा दिया है इसको परफेक्टली. आई एक्सक्लेम्ड इन एडमायरेशन, मतलब कि उन्हें हैरानी हो रही थी कि इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने वो केस सॉल्व कर लिया, राइट?